नमस्कार, अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें चुनाव 24 में। दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए एनडी गठबंधन के नेता, विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट में शामिल हुए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता मौजूद। प्रोटेस्ट के मंच पर विपक्षी नेताओं ने दिखाई एकजुटता, एक साथ हाथ उठा कर दिया संदेश। प्रोटेस्ट में संसद सुरक्षा चौक पर बोले राहुल गांधी, पार्लियामेंट में कुछ भी लेकर आ सकते थे हमलावर। राहुल गांधी का बीजेपी सांसदों पर अटैक, कहा संसद में युवा घुसे तो बीजेपी वाले भाग गए, सबसे बड़ा सवाल अंदर कैसे आए युवक। राहुल गांधी ने कहा संसद में घुसपैठ के पीछे बेरोजगारी, बेरोजगार युवा 7.5 घंटे मोबाइल पर बिता रहे। प्रोटेस्ट में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, संविधान के उच्च पद पर बैठे लोग करते हैं जाति की बात, फिर मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। जंतर मंतर पर बोले शरद पवार, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। सांसदों के निलंबन पर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए राष्ट्रवादी संगठनों को एक साथ आने की जरूरत। कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन बोले अगर सभी सांसद बाहर रहेंगे तो संसद कैसे चलेगी, एक सांसद को अपनी बात रखने का विशेष अधिकार। आरजेडी सांसद मनोज झा का पीएम पर तंज, कहा विदेश में सीना ठोक कर बोलते हैं, लोकतंत्र की जननी से आया हूं, अब क्या कहेंगे। सांसदों के निलंबन पर बोले दिल्ली कांग्रेस सचिव अरविंद लवली, जिस तरह से की जा रही लोकतंत्र की हत्या है देश एक धप्पा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा देश के भविष्य के लिए एक ही समाधान, सरकार बदलकर इंडिया अलायंस को सत्ता मिलाए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर अटैक, का सुरक्षा चूक घटना वाले दिन अचानक आया निर्देश, विपक्ष ने शुरू कर दिया विरोध। कांग्रेस के क्राउड फंडिंग अभियान पर प्रहलाद जोशी का तंज, कहा काले पैसे को सफेद करने के लिए किया जा रहा नाटक। सांसदों के निलंबन को लेकर पटना में प्रदर्शन, सीपीआई नेताओं ने बैनर पोस्टर्स के साथ की नारेबाजी। सांसदों के निलंबन को लेकर लखनऊ में भी प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के नेता सड़कों पर उतरे। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी, संसद में सुरक्षा चूक पर जवाब देने की मांग की। केरल के तिरुवनंतपुरम में राजभवन के सामने यूडीएफ का प्रदर्शन, विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर जताया विरोध। संसद सुरक्षा में सिंध मारी के आरोपी ललित झा की रिमांड 5 जनवरी तक बढ़ी, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। संसद मामले में दिल्ली पुलिस ने किया हाईकोर्ट का रुख, आरोपी नीलम आजाद की एफआईआर कॉपी उपलब्ध कराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश की चुनौती। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार, राज्यपाल ने 9 बीजेपी विधायकों को दिलाई मंत्री पद की शपथ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने ली मंत्री पद की शपथ, कहा महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए पार्टी के मुताबिक काम करूंगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बीजेपी का अटैक, फोटो शेयर कर लिखा सूखा निधि जारी करने के लिए दिल्ली प्राइवेट जेट में आए सीएम।